अर्जुन खन्ना यहाँ पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अर्जुन, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर अर्जुन, जिस तरह से WHO ने कहा था कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बहुत कंसर्न का वेरिएंट है और इसके मामले बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और वही भारत में हो रहा है कि पता ही नहीं चला कि कब एक या दो केस से 358 केस पर हम पहुंच चुके हैं। डेफिनेटली देखिए, ओमिक्रॉन के साथ यही है कि ओमिक्रॉन में स्प्रेड बहुत जल्दी करता है, और अच्छी चीज ये है कि जो भी डेटा अभी तक हमारे पास है वो ये कहता है कि डिजीज बहुत सीवियर नहीं हो रहा है जी। लेकिन अब इस टाइम पे हम थर्ड वेव का इंतजार नहीं कर सकते। सेकेंड वेव एक बहुत डेवेस्टेटिंग थी, हम लोगों ने सबने देखा कितना बुरा उसका हाल हुआ, जो असर था उस टाइम पे, और अगर इस टाइम पे भी हम लोग नहीं सुधरे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और दोबारा उस तरीके की वेव अगर आती है तो दैट इज नॉट गुड। वो अब मुझे नहीं लगता कि अब रिसोर्सेज और हम सब उसके लिए रेडी हैं दोबारा आने के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर अर्जुन, लेकिन देखिए बार बार कहा तो यही जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से कि फरवरी में कोरोना की और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ेंगे और तीसरी लहर सामने आएगी और 1 लाख से ज़्यादा, मतलब 2 लाख तक एक दिन में केसेस सामने आ सकते हैं, इस तरह की स्थिति बताई जा रही है। देखिए ये सब स्पेकुलेशंस हैं इस टाइम पे। इस डिजीज को लास्ट 2 ईयर से ट्रीट करने के बाद मैं एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जब तक जो चीज हो नहीं जाती है ना, उससे पहले सब वाइल्ड गेसेस होते हैं जी। हाँ, हमें ये पता है ये डिजीज बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है, हम सबको बहुत केयरफुल रहना है, और हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहा जाता है मास्क लगा के रखना है। अभी त्योहार का थोड़ा सीजन है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, लोग फिर से बाहर निकल रहे हैं और मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं जी। ये एक बहुत बड़ा इशू है, और जो लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं ली है, जो लोग घबरा रहे हैं वैक्सीन से, प्लीज बाहर निकलिए और वैक्सीन लगवाइए अपने आप को। बिल्कुल डॉक्टर अर्जुन, और देखिए जिस तरह से अभी आपने भी कहा था कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, लेकिन अभी इसे बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं देखा जा रहा, और जितने भी अभी मामले सामने आए हैं हर किसी में बहुत माइल्ड सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक होकर अपने घर भी वापस चले गए हैं, तो शायद इसी वजह से लोग भी बहुत हल्के में से ले रहे हैं क्योंकि लोगों की लापरवाही बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या इसको कितना ज़्यादा लाइटली लेना चाहिए या इसको बहुत ज़्यादा हमें सोचना चाहिए, डरने की जरूरत है इससे? कोविड को कभी भी लाइटली ना लें। कोरोना वायरस का बिहेवियर बहुत वियर्ड है, बहुत स्ट्रेंज है जी। आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि भाई ये माइल्ड है तो सब में माइल्ड ही होके रह जाएगा, ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन से भी हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, ओमिक्रॉन से भी लोग ICU में पहुंच रहे हैं और डेथ्स भी हो रही हैं। तो हमें पैनिक नहीं करना है, हमें बेकार डरना नहीं है, लेकिन हमें जनरल गाइडलाइंस फॉलो करनी है। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं कि हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएं और फिर से हम बिल्कुल लॉकडाउन शटडाउन कर दें सब कुछ, ये चीज भी ठीक नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हम बिल्कुल सारा सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ के बैठ जाएं, मास्क ना लगाएं, ये भी बेवकूफी है। तो मिडिल पाथ अपनाना है, बहुत सेंसिबली केयरफुली अपना मास्क लगाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, ना इसको लाइटली लें ना बहुत ज्यादा पैनिक करें। बिल्कुल डॉक्टर अर्जुन, और यहाँ पर देखिए हम हर रोज़ाना देख रहे हैं कि भारी संख्या में कोरोना से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा था कि तीसरी वेव आएगी तो बच्चों पर ये भारी पड़ेगी। देखिए ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ कोरोना के और वेरियंट के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या इन सब में कुछ रिलेशन यहाँ पर देखा जा सकता है? देखिए डेफिनेटली बच्चों को क्योंकि वैक्सीन नहीं लगा है तो एक कॉज ऑफ कंसर्न हमेशा था, हमें डर था कि बच्चों में ये हो सकता है। लेकिन अगर दिल्ली में अगर आप देखें, दिल्ली में जो सेरो प्रेवलेंस देखी गई है अराउंड 67-70% 70-75% बच्चों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज पाई गई है कोविड की, सो नेचुरल इन्फेक्शन से ही एंटीबॉडीज आ गई काफी बच्चों में। तो बच्चों में यही उम्मीद है कि अगर डिजीज होता भी है तो वो माइल्ड डिजीज होता है, यूजली माइल्ड होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है या उसकी वजह से मॉर्टेलिटी होती है। बट स्टिल क्योंकि बच्चों के साथ ये है ना कि एक छोटे बच्चे को आप मास्क नहीं लगा सकते, बच्चा खेलने भी जाएगा, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी करेगा, तो डिजीज बहुत रैपिडली स्प्रेड कर सकता है। बच्चा जब घर आएगा तो घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी या बड़े जो पेरेंट्स हैं, एल्डरली लोग हैं बच्चों से, उनको इन्फेक्शन होने के ज्यादा रिस्क हैं जी।
बिल्कुल डॉक्टर अर्जुन, मैं यही इसको रोकना जरूरी है जी, मैं यही जानना चाह रही थी कि देखिए बुजुर्गों की यहाँ पर आपने बात की, तो बुजुर्गों के लिए ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है या है भी या नहीं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जो मैंने एक जगह आर्टिकल में पढ़ा था कि ओमिक्रॉन वेरियंट जो है वो 20 से 30 साल के यंगस्टर्स को अपनी चपेट में ले रहा है, तो क्या यंग लोग ही इसकी चपेट में आ सकते हैं या फिर बुजुर्ग लोग भी आ सकते हैं? ये गलत न्यूज है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ओमिक्रॉन हर, ये इट्स लाइक नॉर्मल कोरोना वायरस, ये हर एज को अफेक्ट कर सकता है, यंग से लेके एल्डरली सब किस्म के पेशेंट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जवान लोग या इस एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग इससे इन्वॉल्व होंगे या अफेक्ट होंगे जी। सब लोग इक्वली एट रिस्क हैं। ठीक है डॉक्टर अर्जुन, और साथ ही बस एक आखिरी सवाल ये कि वैक्सीन देखिए बहुत भारी संख्या में भारत में लोगों को लग गई है, लेकिन वैक्सीन जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं उसके बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो किस तरह से अपना बचाव यहाँ पर अब किया जाए? देखिए वैक्सीन हमेशा ये कहती है कि वैक्सीन लगने से डिजीज की सिवियरिटी कम होती है जी। हम कभी भी जब एक वैक्सीन आती है हम उससे उम्मीद नहीं करते कि वैक्सीन से डिजीज का इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, कि डिजीज होगा ही नहीं जी। ये नहीं हो सकता कभी भी किसी भी वैक्सीन के साथ। वैक्सीन लग रही है उसकी वजह से पेशेंट का इन्फेक्शन एक सिंपल गला खराब खांसी जुकाम की तरह निकल जाए, अभी तो यही उम्मीद है और ऐसा हो भी रहा है। ओमिक्रॉन उन लोगों को जिनको हुआ है डबल वैक्सीनेशन के बाद, उन लोगों को बहुत माइल्ड 2-3 दिन के गला खराब बॉडी एक के बाद वो एकदम ठीक हो गया है। तो जो जनरल हमारे प्रिकॉशंस हैं, हैंड वॉशिंग, मास्क, पब्लिक मेजर्स लेना, बहुत ज्यादा भीड़ भड़क से दूर रहना, आई थिंक इस टाइम पे सबसे जरूरी वही है जी। चलिए ठीक है डॉक्टर अर्जुन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।